जय हिंद। आज मैं आपको भूकंप के विज्ञान को समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भूकंप होता क्या है, भूकंप क्यों उत्पन्न होता है, उसका परिमाण क्या होता है, और कहीं भूकंप आ गए तो आप कैसे बचेंगे। अभी आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, या जहां सोए होंगे, या जहां से हमारा वीडियो देख रहे होंगे, आप किस तरह के खतरा के जोन में है और आप पे कितना खतरा है भूकंप को लेकर के, आप किस तरह के जोन में आते हैं वो भी आज आपको हम बताएंगे। साथ ही साथ घर बनाते समय किस तरह के सुरक्षा मानकों का ध्यान में रखना चाहिए ताकि जब भूकंप आए तो उसको वो सह ले और आप जिंदा बच जाए, और साथ ही साथ जब भूकंप आ जाए तो आपको कैसे बचना चाहिए, उसका पूर्वानुमान किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, किस तरह के रिसर्च अभी तक हुए हैं इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं और भूकंप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये आपका सिस्मोलॉजी क्या होता है, रिक्टर स्केल क्या होता है, मर्केली स्केल क्या होता है, ये शैडो जोन क्या होता है, अर्थक्वेक का शैडो जोन भी होता है वो क्या होता है, तरंगे पी तरंगे प्राइमरी, एस तरंगे सेकेंडरी, और एल जिसको लव वेव बोलते हैं वह क्या होता है, इन सब के बारे में आपको मैग्नीट्यूड के बारे में अभी बताएंगे। साथ ही भूकंप दुनिया में कहां कहां आता है, क्यों आता है, सबसे ज्यादा भूकंप कहां आता है, सबसे कम भूकंप क्यों आता है कहीं पे, और भारत में कहां कहां किस तरह का क्षेत्र बना हुआ है भूकंप का, और कितना खतरा है, तो इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भूकंप क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि भू प्रॉपर्टी का अचानक हिलना डुलना भूकंप कहलाता है, सिंपल भाषा में। नहीं तो अगर आप ये देखिए कि भू प्रॉपर्टी में प्रघाती तरंगों द्वारा उत्पन्न कंपन को कहते हैं भूकंप। मान लेते हैं आप पृथ्वी पर कहीं बैठे हुए हैं और कोई आया पीछे से हिला दिया ऐसे ऐसे करके, तो आपका शरीर एक कंपन अनुभव करेगा, उसी को कहते हैं भूकंप। तो भूकंप जो है उसके अंदर एनर्जी पैदा होता है, ऊर्जा पैदा होता है। पृथ्वी के अंदर कहीं भी इस तरह से हॉटस्पॉट बना हुआ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है, या और भी बहुत सारे कारण है जिसके कारण एनर्जी इकट्ठा हो जाती है। जब तक इकट्ठा रहती है उसको बोलते हैं स्थैतिक एनर्जी, लेकिन जैसे ही वहां से निकलेगा तो उसमें डायनेमिक आ गया, गति हो गया, तो गतिज एनर्जी के रूप में वो बाहर निकलता है, तरंगों के रूप में, ऊर्जा के रूप में वो बाहर निकलता है। भूकंप जो है ना वो अपने आप में एक ऊर्जा का ही एक रूप है, उसके अंदर से तरंग निकलता है। वो तरंग कितने प्रकार का होता है उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सिस्मोलॉजी क्या होता है। तो सिस्मोलॉजी भूकंप के विज्ञान को कहते हैं, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। साथ ही साथ सिस्मोग्राफ क्या होता है, ये एक यंत्र है, एक मशीन है जो भूकंप के तीव्रता को मापता है, और तीव्रता मापने के लिए कुछ ना कुछ स्केल को तो लेके चलेगा ना, तो वह कैसे मापता है, उसका स्केल बना हुआ है, जैसे मर्केली स्केल हो या रिक्टर स्केल हो या और भी स्केल हो, उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भूकंप कहीं भी आता है तो क्या क्या होता है, पहले जानिए। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की तीन परतें हैं, वैज्ञानिकों ने बांटा हुआ है, सिस्मोलॉजिस्टों ने बांटा हुआ है पृथ्वी की तीन परतें। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे ऊपर की जो परतें हैं उसको आप बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर। इसके नीचे जैसे ही जाएंगे तो एक दुर्बलता मंडल का क्षेत्र आएगा, उसको बोलते हैं स्थेनोस्फीयर। वो 100 किलोमीटर नीचे है, उसको बोलते हैं स्थेनोस्फीयर। यहाँ की चट्टाने कैसी है, अर्ध पिघली है, सेमी लिक्विड अवस्था में है, इसी पे प्लेट चलता है और इसी पे जो क्रस्ट संचलन भी कर रहा है। क्रस्ट एक पार्ट में ये पूरा का पूरा, ये टूटा हुआ है बीच बीच से, कहीं कहीं से टूटा हुआ है, उसी को बोलते हैं प्लेट। और वही प्लेट जब संचलन करता है तो आ जाता है भूकंप। वही प्लेट संचलन करता है तो ज्वालामुखी भी फट जाता है, ज्वालामुखीयता की क्रिया होती है, पर्वत निर्माण की क्रिया होती है, कहीं ट्रेंच बन जाते हैं, कहीं भ्रंश बन जाता है, और कहीं कहीं पे आइलैंड आर्क्स बन जाते हैं, इस तरह से चीजें बनती है। लेकिन आज तो हम आपको सिर्फ भूकंप के बारे में बता रहे हैं, आज आप भूकंप को पूरा समझ जाइएगा। आप अगर मरे हुए हैं तब भी समझ जाइएगा, जिंदा है तो कोई बात ही नहीं है। तो देखिए उसके आगे मेंटल है, ये बीच का जो परत है, ये क्रस्ट के बाद वो आता है मेंटल 2900 किलोमीटर तक है, और उसके नीचे जो है वो है कोर। यानी कि यहाँ पे जो 100 किलोमीटर आप देखते हैं वहाँ स्थेनोस्फीयर, उसको मोहरोविच डिसकंटिन्यूटी भी वहाँ पे है, यानी कि कुछ ना कुछ ये जो ठोस वाला परत है वो और इसके जो ऊपर का जो क्रस्ट है उसके बीच में कहीं ना कहीं असंबद्धता मिलेगा। उसके बाद जैसे ही मेंटल को पार करके कोर में जाएंगे, मान लेते हैं एक बहुत बड़ा होल कर दिया गया है और आपको यहाँ से अंदर में जाने के लिए बोला गया कि यहाँ तक पहुँचिए, तो आपको फिर जो है मेंटल को पार करते ही आपको मिलेगा एक गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, उसको पार करेंगे तब कोर पे जाएंगे। अब देखिए भूकंप कहाँ उत्पन्न होता है। भूकंप मान लेते हैं कहीं भी उत्पन्न हुआ, 50 किलोमीटर नीचे भी उत्पन्न हो सकता है,
30 किलोमीटर नीचे भी उत्पन्न हो सकता है, 100 किलोमीटर नीचे भी हो सकता है, 720 किलोमीटर तक नीचे भी हो सकता है। अभी तक का सबसे गहरा भूकंप जो है वो 720 किलोमीटर तक तो मापा गया है। मान लेते हैं कि इस पृथ्वी से 300 किलोमीटर नीचे यहाँ पे सबसे पहले ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ रेडियो एक्टिव मिनरल्स है या किसी कारण से वहां पे एनर्जी इकट्ठा हो गया। अब एनर्जी एक जगह तो रहेगा नहीं, वो तो निकलेगा कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में, तो वह तरंगों के रूप में निकलेगा, प्रत्यास इलास्टिक वेव के रूप में निकलेगा। तो यहां से निकलेगा और सबसे पहले कहां पहुंचेगा, सबसे पहले जहां पहुंचेगा वो उसको बोलते हैं ईपी सेंटर, और जहां पे उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं फोकस, उसको कहते हैं फोकस, इसको बोलते हैं केंद्र, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहाँ होगा, बाहर होगा पृथ्वी के ऊपर। मान लेते हैं यह ग्लोब है, इसके अंदर में 300 किलोमीटर नीचे कहीं पे एनर्जी इकट्ठा हुआ और वहां से चलना शुरू किया एनर्जी, तो जहां से चलना शुरू हुआ, जहां उत्पन्न हुआ उसको बोलेंगे फोकस, उसको बोलेंगे केंद्र, और जहां पे सबसे पहले अनुभव होगा उसको बोलेंगे अधिकेंद्र, उसको बोलते हैं ईपी सेंटर। इसको अंग्रेजी में कुछ और नाम दिया जाता है, उसको भी आप जान लीजिए। इसको बोलते हैं हाइपो सेंटर, केंद्र को ये हाइपो सेंटर भी बोला जाता है, इसको हाइपो सेंटर, है ना। तो आप इसको समझ गए हैं कि इसको हाइपो सेंटर। अब यहाँ पे सबसे पहले अनुभव होगा, मान लेते हैं कि यह पृथ्वी का तल है, है ना, यहाँ पे उत्पन्न हुआ और यहाँ से इसको बोलेंगे फोकस, और यहाँ पे सबसे पहले पहुंचेगा, यहाँ पे अनुभव होगा, उसको बोलेंगे ईपी सेंटर। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई छोटुआ है, इधर मान लेते हैं कोई छोटिया है, मिलने आया है, है ना, और नीचे आ गया भूकंप, यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी हुआ और आकर के यहाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे अनुभव होगा, ये दोनों को अनुभव होगा सबसे पहले, क्योंकि यह एकदम ईपी सेंटर पे खड़ा है। और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से तरंगे फैल जाएगी पूरे पृथ्वी के चारों तरफ, ऐसे ऐसे। एक बात और जान लीजिए कि जब भी भूकंप कहीं पे आएगा तो लहरें सिर्फ ऊपर नहीं निकलेगी, लहरें अंदर भी जाती है, अंदर भी निकलेगी। यहाँ से जब है तो ऊपर तो जाएगी ही और नीचे भी चलेगी, इस पृथ्वी के कोर में भी जाएगी और कोर को पार करके वह इस साइड में भी निकल जाएगी। जनरल किताबों में इस तरह से चीजें नहीं लिखी हुई है तो आपको समझ में कम आता होगा, लेकिन आप जान लीजिए कि भूकंप की तरंगे सिर्फ यहाँ से उत्पन्न होकर ऊपर नहीं जाएगी, वह चारों तरफ चलती है, चारों तरफ चलेगी। इसमें तीन प्रकार की लहरें होती, पी एस और एल, ये चारों तरफ यहाँ से चलना है उसको, लेकिन तीनों का अलग अलग विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों तीनों का नुकसान करने का अलग अलग क्षमता होता है। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि यहां से जब चलना शुरू किया, यहां पे पहुंचा ईपी सेंटर पे, तो ठीक इसके विपरीत वाला पार्ट में, जैसे इसका ठीक विपरीत एंटीपोडल एरिया कहां है, यहां पे, इसको एंटीपोडल एरिया बोलते हैं, एंटीपोडल एरिया या एंटीपोड बोलते हैं, यहां पे पहुंचेगा 21 मिनट में। कौन सी किरणें, कौन सी तरंगे, उसको बोलेंगे पी वेव जो है ना, जहां भी उत्पन्न होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे उत्पन्न हुआ, या आप माली देख रहे हैं, यहाँ पे अफ्रीका है, यहाँ पे उत्पन्न हुआ और यहाँ से इसके नीचे 300 मीटर नीचे उत्पन्न, 300 किलोमीटर नीचे उत्पन्न हुआ और यहाँ पे सबसे पहले अनुभव हुआ, इसको बोलेंगे ईपी सेंटर। और यहाँ पर आने के बाद ठीक इसके विपरीत दिशा में, यानी कि ठीक इसका एंटीपोडल एरिया कहाँ पे होगा, इसका एंटीपोडल एरिया होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे 21 मिनट में पी तरंगे पहुंच जाएगी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि तरंगे जो है वो चारों तरफ चलती है। तो अब आप जानिए कि भूकंप का कारण क्या है, कारण जानिए और उसके बाद हम पूरा वेव को आपको समझाएंगे, पी क्या होता है, एस क्या होता है, एल क्या होता है। तो कारण को एक बार आप पहले समझ लीजिए अच्छे ढंग से। अब आइए आपको हम कारण बताते हैं भूकंप आने का। तो सबसे पहले जानिए कि कारण क्या है। कारण में दो प्रकार के कारण गिनाए जाते हैं, एक प्राकृतिक कारण, एक मानव कृत कारण। तो ये कारण तो है, इस पर अभी हम बात करते हैं। कुछ धार्मिक लोग पहले बोलते थे, बहुत सारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है कि पृथ्वी जो है शेष नाग पर टिकी हुई है, ये हिंदू मान्यता के अनुसार। अब आप बताइए कि नीचे शेषनाग तो मिला नहीं आज तक, तो इसको कोई मान्यता मिला नहीं है। कुछ बोलते हैं कछुए पर टिका हुआ है, अब कछुआ हिलता डुलता है इसलिए भूकंप आ जाता है, तो ईरान में इस तरह से धार्मिक पुस्तकों में है। और कुछ लोग बोलते हैं कि यह जो है वह गाय के सिंग पे टिका हुआ है, ऐसे
और इसी कारण से जो है जब वह हिलता डुलता है कभी जो है उसको ज़्यादा भारी लगता है तो ऐसे ऐसे कर लेता होगा तो इसलिए भूकंप आ जाता है। ये सब धार्मिक कारण है, इसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए अब इसको कोई पढ़ता भी नहीं है, कोई जानता भी नहीं, कहीं से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है उसको देखिए, उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला बांटा गया है आपका नेचुरल कारण, उसके बाद प्राकृतिक कारण, और दूसरा है मानव कृत, जिसको एंथ्रोपोजेनिक कारक बोलते हैं या मैन मेड कारक बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल कारण के बारे में। तो इसमें आप देखेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। प्लेट विवर्तनिकी क्या होता है, आप जानते हैं कि क्रस्ट का टूटा हुआ पार्ट जो 100 किलोमीटर मोटा है वो उसको प्लेट बोलते हैं, प्लेट में संचलन होता है। अब मान लेते हैं कोई एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, ये एक प्लेट ये है। अब ये प्लेट चल रहा है इधर, अब इधर से भी कोई प्लेट है, अब इस प्लेट में आकर के टकरा गया। अब मान लेते हैं ये प्लेट आ गया, इधर से एक प्लेट इधर में आ गया, तो दोनों टकरा जाएगा। टकराने पर क्या होगा कि वहां पे भूकंप पैदा होगा। अब ऐसे ये मत समझिएगा कि ये प्लेट इधर आ रहा है, ये प्लेट आ रहा है, धर उसी ने एकदम टकरा गया। ये धीरे धीरे चलते ही रहते हैं, ये भी धीरे धीरे आते ही रहता है, साल में 2 से 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर अधिकतम। तो साल में 5 सेंटीमीटर खिसका, तो कितना धीरे धीरे खिसका, बहुत धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि खिसक रहा है। लेकिन जब यही खिसकेगा और जब इसके साथ आकर के टकराएगा तो क्या होगा कि जो भारी होगा वह नीचे दबेगा, उसका जो है मार्जिनल एरिया, जो इसका सीमांत वाला क्षेत्र है, वह बढ़ते 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 आगे तक बढ़ा, आगे तक बढ़ा, और उसके बाद इसमें आकर के नीचे जा करके वह स्थेनोस्फीयर में पहुंच करके गलने लगता है। वह नीचे जा करके गलने लगेगा, गलने लगेगा, उसको बोलते हैं बेनी ऑफ जोन में जाके गलेगा। उसको हिमगो बेनी ऑफ ने खोजा था, इसलिए उसको बोलते हैं कि वह अंदर में स्थेनोस्फीयर के अंदर में जा करके बेनी ऑफ जोन में गल जाएगा। और ये प्लेट जो है ये ऊपर से आकर के इस पर चढ़ेगा, और इसी दौरान जो है पर्वत का तो निर्माण होगा और भूकंप भी पैदा होगा। इसीलिए जब यह प्लेट का मार्जिनल एरिया अंदर में जाता है और वह पिघल जाता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा हो जाती है। एनर्जी मतलब इतना ज़्यादा एनर्जी कि एनर्जी जो है वह अंदर में संचित नहीं रह सकता है, वह तो बाहर निकलेगा किसी भी फॉर्म में। अब वह निकलेगा वेव के रूप में, और वही जो है पी एस और एल वेव के रूप में बाहर निकलेगा और वहाँ भूकंप आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप समझ गए, एक अभिसारी सीमा होता है जो दोनों आपस में टकरा गया उसको अभिसारी सीमा कहेंगे, और एक सीमा होता है जिसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी का मतलब होता है ये, मान लेते हैं कि दो प्लेट है, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, एक दूसरे में जुदाई हो रही है। पहले में क्या था, एक दूसरे में मिलन हो रहा था, टकरा रहा था। तो आप जानते हैं कि एक तरफ अगर मिलन होगा दूसरे तरफ जुदाई होना तय है, ये तो नियम ही है। तो ये देख लीजिए, यहाँ प्लेट में भी इसी तरह से होता है, एक ही प्लेट है उसका एक हिस्सा एक तरफ वाला कहीं पे टकराएगा तो दूसरा हिस्सा उसका कहीं ना कहीं पे जुदाई में जाएगा। तो यहाँ पे दो प्लेट एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, नीचे से जो गरम गरम मैग्मा है वह बाहर निकल आएगा लावा के रूप में, ऊपर आकर के लावा के रूप में बाहर आ जाएगा। तो मैग्मा जो है वो बाहर आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि वह तो ऑलरेडी नीचे बहुत सारा गर्मी है, बहुत ज़्यादा पिघली हुई चट्टाने हैं, अब इतनी पिघली हुई चट्टाने को तो निकलना ही चाहता है बाहर, और उसको रास्ता ही मिल गया निकलने का, यहाँ की चट्टाने कमजोर हो गई, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो वहाँ वोल्केनिज्म होगा, वहाँ पे ज्वालामुखीयता की क्रिया होगी, और उस ज्वालामुखीयता की क्रिया के कारण भी भूकंप आते हैं। तो ऐसे भूकंप भी 21% आते हैं पूरे विश्व में, लेकिन ज़्यादा भूकंप आते हैं जब आपस में टकराने वाला रहता है, वो अभी आपको हम बताते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है। उसके बाद एक संरक्षित किनारा भी होता है, मान लेते हैं एक प्लेट ऐसा है कि एक प्लेट इधर से है, एक प्लेट जो है इधर से है, अब एक प्लेट इधर आ रहा है, एक प्लेट उधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे से न टकरा रहे हैं, न एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बल्कि उसके बगल से वो निकल जा रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये है, ये मान लेते हैं ये हमारा, ये जो आप देख ली, ये हमारा एक हाथ देखिए, ये देखिए, अब इसमें मान लेते हैं एक प्लेट इधर भाग रहा है, एक प्लेट इधर आ रहा है, या दोनों प्लेट एक दूसरे से इधर जा रहे हैं, या दोनों प्लेट इधर आ रहे हैं, तो इसको कहेंगे संरक्षित प्लेट किनारा। तो उसके संरक्षित प्लेट में भी भ्रंश बन जाते हैं, कोई ऐसे हो जाएगा, कोई इधर नीचे हो जाएगा, तो इसके बीच में क्या होगा, गैप बनेगा, उसको बोलते हैं फॉल्ट बन जाना, रूपांतरण भ्रंश बन जाता है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, वहाँ भी भूकंप आते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, 8-10% भूकंप वहाँ भी आ जाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कैसे कैसे भूकंप आते हैं। एक बार आप इसको मानचित्र में भी देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि अपसारी प्लेट किनारा कहाँ है, ये देखिए अमेरिका, ये जो देख रहे हैं ना, ये पूरा प्रशांत महासागर, इसके चारों तरफ अभिसारी प्लेट किनारा है। ये देखिए, अगर आप बीच में कहिए कि बीच से जो प्रशांत महासागर है, इसके बीच में हल्का सा दरार पड़ के अपसरण हो रहा है, उसमें डाइवर्जेंट हो रहा है, तो
इसका किनारा जो है इसके अंदर में जाके धंस रहा है कहाँ, उत्तरी अमेरिका में, और इधर आपका दक्षिणी अमेरिका का जो पार्ट है इसमें इसके अंदर में जा रहा है, और साथ ही साथ इधर का जो प्लेट हुआ आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर वाला प्लेट, वह इधर आप देख रहे हैं यूरेशिया वाला प्लेट में घुस रहा है, इधर इधर आप देख रहे हैं कि इंडियन वाला प्लेट से टकराएगा, तो इसमें आकर के ये घुस जा रहा है। अब होता क्या है कि बहुत भारी है इसलिए अंदर में जा रहा है। अब यहीं पे इसी किनारा पे इधर से भी एक प्लेट, इधर से भी एक प्लेट, अब उस किनारा पे एक फॉल्ट बनेगा, उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी की क्रिया है और सबसे ज्यादा भूकंपीय क्रियाएं घटित होती है, वो भी आपको हम और विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी आप कारण पे डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए कारण को पहले समझ लीजिए। उसके बाद है हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट क्या होता है, देखिए पृथ्वी के अंदर में जैसा कि अभी आपको हमने बताया था कि ये जो पृथ्वी है इसके अंदर में बहुत सारे रेडियो एक्टिव मिनरल्स है, इसके अंदर में बहुत सारे रेडियो मिनरल मिनरल्स होते हैं, रेडियो एक्टिव मिनरल्स। अब वो क्या होते हैं रेडियो आपको रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते क्या है, वो जो है ना वो खुद ही टूटते रहते हैं, वो एक प्रकार का ऐसा पदार्थ होता है जो खुद ही टूट करके एनर्जी पैदा कर देता है, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करें मानव तो धीरे धीरे वो टूटते टूटते अपने आप खत्म हो जाता है और वह एनर्जी पैदा करता है। अब कहीं पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया, अब इसी के अंदर में कहीं पे इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करेगा, वह बाहर निकलने की कोशिश करेगा, एनर्जी चूंकि एक जगह इकट्ठा हो गया अब तो वह किसी फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करेगा, वहाँ बन जाएगा हॉट स्पॉट, और हॉट स्पॉट जो है वह मैग्मा वहाँ पर बनेगा, बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और आप जानते हैं कि वह क्रस्ट के ऊपर जो है वह धक्का देगा, जहाँ जहाँ ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में होगा वहाँ धक्का देगा, तो धक्का देने के कारण जो है वह वहाँ पे भूकंप आ जाता है। कहा जाता है कि अगर धक्का दिया और बाहर नहीं फट के निकला तो वहाँ भूकंप आएगा, लेकिन अगर धक्का दिया और बाहर फट के निकल गया तो उसको कहेंगे ज्वालामुखीयता हो गया, वोल्केनिज्म हो गया वहाँ पे, वहाँ पे फिर भूकंप का चैप्टर बंद और ज्वालामुखीयता के चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो हॉट स्पॉट के कारण ये हो सकता है भूकंप। उसके बाद प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत, देखिए इसको दिया था एच एफ रीड ने, ये होता क्या है एग्जाम में बहुत बार पूछा है, उसने कहा था कि जो चट्टाने होती है ना उसका एक निश्चित सहन क्षमता होती है, जैसे कि जैसे रबर है, रबर भी देखते हैं उसको एक निश्चित उसको लमराइए तो एक निश्चित सीमा तक वह लमरेगा, उसके बाद क्या होगा कि अगर उसके बाद भी उसको खींचिएगा तो टूट जाएगा। तो चट्टानों में भी इसी तरह से होता है कि वह निश्चित सीमा तक भार को सहन करेगा और धीरे 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 फैलते जाएगा और बाद में क्या होगा कि अगर उसको उसके बाद भी उस पर बहुत ज़्यादा दबाव काम किया तो वह टूट जाएगा, टूट करके भ्रंश बन जाएगा, वह फॉल्ट बन जाएगा वहाँ से, और फॉल्ट बन करके क्या होगा अपने आप को फिर एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, उसी दौरान भूकंप आ जाता है। भूकंप जो है तो एच एफ रीड ये अमेरिका के थे, उन्होंने ये बताया था, इसको याद रखे रहिएगा। उसके बाद भू संतुलन क्या होता है, देखिए आइसोस्टेसिस, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो पृथ्वी है इस पे बहुत सारे पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये समुद्री एरिया है, बहुत ज़्यादा अंदर में धंसे हुए ट्रेंच है, यहाँ मेरियाना ट्रेंच है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सुंडा गर्त है, बहुत सारा गर्त है इसमें, पुर्टो रिको गर्त है, तो कहते हैं इतना नीचे है और एवरेस्ट जो है इतना ऊँचा है, आप देख रहे हैं कि इधर आपका रॉकीज पर्वत हो, एंडीज पर्वत हो, ऊँचा है, अब सबसे नीचा वाला पार्ट में सबसे ऊंचा वाला पार्ट में एडजस्टमेंट कैसे रहता है, कैसे एक संतुलन बना के रखते हैं, उसके साथ ही साथ ये पृथ्वी घूम भी रही है, ऐसे पश्चिम से पूरब घूम भी रही है, अब घूमते हुए पृथ्वी डायनेमिक पृथ्वी पे ये संतुलन कैसे बना रहता है, तो संतुलन बना रहता है और इस संतुलन में जब कभी अव्यवस्था पैदा होती है तभी जाकर के वहां पे भूकंप पैदा हो जाता है, वहां पे हिलने डुलने लगता है तो कहते हैं कि भूकंप आ गया। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल क्या होता है, देखिए पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे इंडोजेनेटिक फोर्स होते हैं जिससे एनर्जी पैदा होता है, और बहिर्जात बल क्या होता है, बहिर्जात बल का मतलब है कि बहिर्जात जैसे पवन के द्वारा, जैसे नदी के द्वारा जो जो पहाड़ बनते हैं उसको काटने का भी क्रिया चलते रहता है, काटते भी रहता है, वह देखते हैं नदी बहुत ज़्यादा काट करके जो है अपने पदार्थों को ढो ढो करके जो है वो समुद्र में जा करके ले जाती है, तो एक तरफ से काटने का काम भी चल रहा है, यानी हिमालय को भी काटने का काम चल रहा है, लेकिन हिमालय बहुत तेज़ी से उठ रहा है और इसके कारण जो है वो बचा हुआ है, नहीं तो नदियाँ उसको काट देती। तो ऐसे ऐसे तो संतुलन कैसे बना रहेगा, एक तरफ उठ रहा है और एक तरफ जा करके धंसेगा, एक तरफ से नदियाँ काट रही है पर्वत को, जा करके जमा कर दे रही है, कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ पे जमा करेगी तो क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो जाएगा, तो भार ज़्यादा हो गया तो धंसेगा, और जहाँ पे मटेरियल कम हो रहा है तो वो उठेगा, तो एक तरफ धंस रहा है तो एक तरफ उठ रहा है, और जहाँ धंसेगा वहाँ का मैग्मा निकल के उस स्थान की पूर्ति करेगा, जहाँ से ऊपर से गया उसके नीचे आ जाएगा, तो इससे एक संतुलन बना रहेगा, इसी को बोलते हैं भू संतुलन, आइसोस्टेसिस, तो इसके कारण भी भूकंप आ जाते हैं।
साथ ही मेटियोरिटिक फॉल्स होता है, पृथ्वी पर उल्काएं गिरती रहती है, उसके कारण भी कभी कभी भूकंप आ सकता है। आपको पता होगा कि आज से बहुत दिन पहले 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा उल्का भारत में ये पृथ्वी पे आके गिरा था मैक्सिको के खाड़ी में, और एक विशाल भूकंप पैदा हुआ था। इतना विशाल भूकंप पैदा हुआ कि जीवों का भी सफाया कर दिया था। उसी में आपको पता होगा कि जुरासिक पीरियड का जो डायनासोर्स है वगैरह वो सब मारे गए थे। तो ऐसे भी होता है। साथ ही चंद्रमा को आप देखते हैं, चंद्रमा में आप देखते हैं कि काला काला जो क्षेत्र दिखाई देता है आपको, वह एक्चुअली वह धब्बा जो आपको दिखाई देता है वह गड्ढा है, उसी पे बहुत ज़्यादा मेटियोरिटिक फॉल्स होता है। और उसके कारण क्या होता है कि बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी पैदा होने के कारण जो है वह भूकंप आ जाता है। अब देखिए चंद्रमा पर जो है वहाँ पे कोर क्रस्ट और मेंटल नहीं है इस तरह से पृथ्वी के अंदर में जो है, चंद्रमा जो है इस तरह से अलग अलग लेयर में नहीं है, तो उस पर मेटियोरिटिक फॉल हुआ, धम सिंगिरा उस पर, और उसके कारण जो है वहाँ भी भूकंप आ जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, भूकंप कहेंगे कि चंद्रकंप कहेंगे कि कुछ और कहेंगे? चंद्रमा कंपन करती है ना, तो भूमि का कंपन तो नहीं कहेंगे, भूकंप तो नहीं कहेंगे, चंद्रमा कंप कहेंगे उसको, या चांद कंप कहेंगे उसको, या मून क्वेक कहेंगे उसको। आप मून क्वेक कहिए उसको, अर्थ क्वेक नहीं कहेंगे, तो इसको याद रखे रहिएगा। साथ ही साथ कुछ आर्टिफिशियल, कुछ मानव कृत कारक भी होते हैं, ये सब तो नेचुरल हो गया, कुछ मानव कृत भी होते हैं। जैसे क्या होता है कि मानव कहीं कहीं पे परमाणु का परीक्षण करता है। आज से आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले जो उत्तर कोरिया का तानाशाह है उसका नाम है किम जोंग उन, उसने एक परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण, वो हाइड्रोजन बम बनाया था, उसके कारण भूकंप आ गया था। तो कभी कभी क्या होता है कि मानव जो है वो रेडियो, ये जो बहुत सारे जो परीक्षण करते रहते हैं उसके कारण भी भूकंप आता है। साथ ही साथ मानव क्या करता है कि पृथ्वी के अंदर होल करके अंदर से जब खनिज पदार्थ निकालते रहता है, खासकर पेट्रोलियम, तो वह बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को इंजेक्ट करता है अंदर में, और उससे वह निकालता है पेट्रोलियम को। तो पेट्रोलियम तो निकल गया, बाद में पानी को जो इंजेक्ट किया वो तो अंदर ही छूट गया। वो होता क्या है, पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस गर्मी से पानी जो है वाष्प में बदल जाएगा और बहुत ज़्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाएगा और वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उस दौरान भी भूकंप आ सकता है। तो आर्टिफिशियल कारण ये सब भी है भूकंप आ जाने के। तो इसको आप लगता है कि आप समझ गए हैं। अब फिर आगे का हम बात करते हैं। अब हम आपको भूकंप के द्वारा निकलने वाली ऊर्जा जो तरंग के रूप में निकलती है उसके बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले हमने एक चित्र बनाया है, यहां देख रहे हैं आप, यहां से यहां से यहां से यहां तक खींचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये छोटे से शुरू होकर के ऐसे 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 करके बड़ा होते होते फिर बड़ा हो गया। अब इसको समझिए आप, इसको हमने पी बनाया, इसको एस कर दिया, इसको एल कर दिया, कैसे हुआ देख लीजिए। यहां पी तरंगे जो होती है ना वह ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी चलेगी, गैस में भी चलेगी। एस जो वेव होती है वह ठोस में चलेगी, द्वितीय कहा जाता है, और तीसरा नंबर पे एल निकलता है जिसको ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है, यहीं पे बना ऊर्जा, और यहाँ सबसे पहले वह ईपी सेंटर पे आएगा, उसके बाद यह पूरे पृथ्वी के चारों तरफ इसको चलना है, यहाँ से तो चारों तरफ ये चलेगा। एल जो है वह सिर्फ सर्फेसियल है इसलिए चारों तरफ चलेगा, और पी और एस जो है वो अंदर से अंदर ही चलेगा। एस जो वेव है वह कोर को पार नहीं करेगा, लेकिन पी जो है वह कोर को भी पार करेगा। अभी अभी इसको अभी हम समझते हैं। सबसे पहले यहां देख रहे हैं कि पी को प्राइमरी भी कहा जाता है यानी प्राथमिक तरंग, एस को सेकेंडरी भी कहा जाता है, और एल को टर्शरी भी कहा जाता है। दूसरा देख लीजिए, यहां पी जो है वह लॉन्गिट्यूडनल वेव है, साउंड की तरह चलता है। साउंड कैसे चलता है, साउंड चलता है एक दूसरे के धक्का देते हुए ऐसे। और ये जो एस है वो ट्रांसवर्स है, वो लाइट की भांति चलता है। लाइट जो है ऊपर नीचे होकर के चलता है। अब इसको आप समझिए, कैसे समझिएगा, मान लेते कोई व्यक्ति जा रहा है उसका रास्ते में चप्पल टूट गया, तो चप्पल टूट गया तो कैसे चलेगा, वैसे ऐसे चलेगा, घिस घिस करके चलेगा अपने पैर को, तो उसको बोलेंगे कि वह लॉन्गिट्यूडनल चल रहा है। लेकिन अगर कोई कूद कूद करके ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे, अब बच्चा को देखते कूदते रहता है, या फिर आप देखिए घोड़ा, घोड़ा कैसे चलता है, कूद कूद करके चलता है, तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स, वो लाइट की तरह चल रहा है। साउंड की गति में नहीं चल रहा है ये पी वेव, साउंड की तरह चल रहा है। और एस वेव जो है वह लाइट के गति से नहीं चल रहा है बल्कि लाइट की तरह चल रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे एल जो है उसको लव वेव भी कहते हैं। लव वेव क्यों कहते हैं, क्योंकि यह इसको प्यार मोहब्बत से लेना देना ज्यादा नहीं है, ये जो है एचडी लव ने इसको खोजा था, इसीलिए इसका नाम है लव वेव, है ना। ये बहुत लव करता है, अभी आपको बताते हैं कि कैसे लव करता है। जब ये आता है तो यही बिल्डिंग को हिलाता है, यह जो है जब नीचे से निकल के आएगा तो यह बिल्डिंग को हिलाने का और गिराने का काम करता है। देखिए उसके बाद यहां देख लीजिए,
आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति संख्या को बताता है, प्रति सेकंड कितना दूरी तय हुआ। देखिए यहाँ पे कितना, ये देख रहे हैं आप वेव, वेव का ये देख रहे हैं आप, ये आवृत्ति दिखा रहा है यहाँ पे, एक सेकंड में इतना आया, तो गिनिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो बहुत सारी संख्या है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक गिनिएगा इसको, इतना ही दूरी तय करने में, तो यहाँ पे आपको संख्या कम मिलेगा, मध्यम मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक उतना ही दूरी तय करने में देखिएगा ये संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका आवृत्ति है, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, वह एल का सबसे कम है। ऐसे भी देखा जाता है समाज में, जिस व्यक्ति का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा वह उतना ही आगे जाएगा, उतना ही ज़्यादा वह प्रगति करता है, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा वह कम ही प्रगति कर पाता है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे तरंग दैर्ध्य को देखिए, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ, वेव लेंथ यह दिखाता है दूरी को, यानी कि शीर्ष से लेके और नीचे तक का कितना दूरी है उसको दिखा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसका कम दूरी है, इसका मध्यम हो जाता है, इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि तरंग दैर्ध्य जो है वह इसका कम है, एस का है, मध्यम है, और एल का सबसे ज़्यादा है। और उसी तरह से देखिए आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दिखा रहा है ऊंचाई को, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक इसकी कितनी ज़्यादा ऊंचाई है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊंचाई कम है, इसका मध्यम है, और इसका जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक, इससे थोड़ा बहुत खतरनाक होता है। यही जब आता है ना, तो ऊपर जब आता है तो कहता है बिल्डिंग को कि गिर, ऐसे ऐसे हिलाएगा उसको, तो सबसे ज़्यादा ये नुकसान करता है। एल है, इसीलिए लोगों से लव करने के लिए आता है, वो देखते हैं गिरा देता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है। ऐसे भी लव जो होता है वो सर्फेशियल होता है, आप जानते हैं ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो सरफेस पर ही चलेगा, अंदर में नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो सर्फेशियल होता है। दूसरी बात है देखिए यहाँ पे, यह कोर को पार कर जाता है, पी तरंगे अंदर तक चला जाएगा, इसको पार करके इस साइड में निकल जाएगा 21 मिनट में। हाँ, तो इसको निकलने का भी ये भी आपको जानना चाहिए कि जैसे ही फोकस से ऊर्जा उत्पन्न होती है वो सबसे पहले ईपी सेंटर में जाएगा, और ईपी सेंटर के बाद वह पार करते हुए, ईपी सेंटर को वह कोर को पार करते हुए एकदम एंटीपोडल हिस्सा में, इस साइड के ठीक उस साइड में विपरीत हिस्सा में 21 मिनट में निकल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भूकंप उत्पन्न होता है, जैसे मान लेते हैं कि भारत में या हिमालय में भूकंप उत्पन्न हुआ और इसके नीचे उत्पन्न हुआ, और सबसे पहले यहीं पे अनुभव हुआ, नेपाल में मान लेते हैं यहाँ पे अनुभव हुआ, और यहाँ से वह ठीक इसके विपरीत हिस्सा में यहाँ पर इस साइड में वह 21 मिनट में पहुँच जाएगा। तो चलने की गति इसकी बहुत तेज होती है, एस वेव की तुलना में पी वेव जो है 40% ज़्यादा तेज गति से चलता है और वह निकल जाता है। लेकिन एल वेव जो होता है वह सिर्फ सर्फेशियल होता है, यह चारों तरफ से चलता है, इसीलिए ठोस में, द्रव में और गैस में तीनों में चल जाता है एल वेव। पी वेव जो है वह ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेगा, एस वेव जो है वह सिर्फ ठोस में चलेगा, और एल वेव जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलता है, इसीलिए यह खतरनाक होता है। इसको बॉडी वेव कहा जाता है, कि इसको पी को और एस को क्योंकि यह अंदर में चल रहा है, और एल को सर्फेशियल कहा जाता है क्योंकि यह बाहर से चल रहा है। तो आप इतना समझ गए होंगे। अब आप इसको एक उदाहरण से भी समझ जाइए। देखिए कोई बच्चा है, कोई महिला अगर बच्चे को ली गोद में, अब इसको धीरे धीरे हिलाएगी, धीरे धीरे हिलाएगी, तो पी हो गया। अगर उसको ज़्यादा तेज गति से हिला दी, ज़्यादा उसको प्यार नज़र आ रहा है, तो फिर जो है एस हो जाएगा। और भी प्यार दिखा करके बहुत तेज गति से हिला दी, तो बच्चे रोने लगेगा, यानी एल वेव जो है वह ज़्यादा हिलाता डुलाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब हम इससे आगे आपको बताते हैं।